आपको बताएंगे इसमें 10 ml की सेटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरी सेटिंग समझा देता हूँ। इसका ये बटन आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला 3 सेकंड के लिए दबाना है। इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। इसमें पहले ये बोथ सेटिंग को आपको टाइमर सेटिंग करना है। टाइमर के बाद इसको एंटर बटन दबाना है। टाइमर सेटिंग को अप डाउन करके आप चेंज कर सकते हो और फिर एंटर बटन दबाना है। एंटर के बाद ये आपका डिफॉल्ट रहेगा। डिफॉल्ट के बाद यहाँ पर आपको एक बार और ये ब्लिंकिंग आ रहा है। ब्लिंकिंग करने के बाद आपको एक बार और एंटर दबाना है। तो सेकंड ब्लिंक करेगा तो इसको आपको 9 कर देना है। इसको मैंने डाउन किया आप करके 9 कर लिया। इसे 9 करने में इसे एंटर दबाना है और ये सेकंड की सेटिंग है। इसको आपको मिनी सेकंड करना है। मिनी सेकंड के लिए आपको एक बार ही दबाना है। ये डॉट आ जाएगा यहाँ पर। जैसे ये डॉट आ जाए तो आप इसको एंटर प्रेस कर देना। एंटर कर करके इसको बाहर आ जाना। फिर आपको प्रेस करते हुए बाहर आ जाना है। इस सेटिंग से आपको बाहर आ गए। सेटिंग से बाहर आ गए। अब आपको इसमें पहले मशीन कितने सेकंड ऑन करनी है और कितने सेकंड ऑफ करनी है उसका सेटिंग करना है। सबसे पहले आप एंटर बटन दबाएंगे। ये ऑन टाइमर है और ये ऑफ टाइमर है। मुझे मेरा वो एक से दूसरे में जाने में 3 सेकंड लग रहे हैं बोतल में। तो मैं इसकी इसको 3 सेकंड सेट कर लेता हूँ। इसको 3 सेकंड सेट कर लिया और मुझे 10 ml के लिए सेटिंग करनी है। तो मैं 10 ml के लिए इसको सेट कर लिया। सब और इसमें पीछे एरर निकालने के लिए पीछे नोब दी हुई है। इससे एरर निकलता है। मैं आपको सारा समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये मशीन जब आप रन करोगे UPS पे ही रन करनी है। इसको मशीन को UPS पे चलाना है तभी एरर नहीं आएगा। या आप सिंपल वोल्टेज पे चलाओगे तो मशीन एरर देगी। आप इसे UPS पे ही चलाना तो आपके वोल्टेज सही आए। अब इसमें से आप ये फिलिंग वाला वाटर मैंने इसमें सेट किया हुआ है। ये मैं 25 ml का ले रहा हूँ। इसमें मैंने सेटिंग पहले कम की कर देता हूँ 1 ml के लिए। प्रेस करके इससे मैं 3 सेकंड की कर देता हूँ ये ट्रायल देखने के लिए। मैंने 3 सेकंड की सेट कर दिए। अब इसमें देखता हूँ 3 सेकंड का चेक करते हैं कितना 1 ml आया। इसमें अभी मेरा आया है 10 ml। ये है इसमें आपका करीबन 13 ml के करीब आया है। इसका एरर सेट करते हैं। इसका एरर आपको कम करना होगा पहले। इसको मैंने कम कर दिया और इसको आपको थोड़ी स्पीड को कम कर दिया मैंने एरर को। अब चेक किया थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसमें अभी आपका 7 ml आया। ओके इसे पूरा ये 10 ml सेट हो गया। इस तरीके से इसमें 10 ml आपको सेट करने होते हैं। पीछे से एरर कम करना है और मैंने इसमें स्पीड है 3 सेकंड की दी है। उसको मैंने एरो जो नोब है पीछे वो मीडियम में कर दिया। ये सेटिंग मैंने मीडियम में कर दिया। इस प्रकार से आप 10 ml की सेटिंग कर सकते हो। ये हर बार आपका 10 ml रहेगा। ध्यान रखिए इसे UPS पे चलाओगे तभी ये एरर नहीं देगी। UPS पे चलाना जरूरी क्योंकि वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं। वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं तो इसमें हर बार इतना ही 1 ml आपका आएगा। ये 10 ml पे ही आपका चलेगी। और मेन आपको बार बार UPS पे ही रन करना। और ये पाइप प्रेस नहीं होना चाहिए। आपको पाइप को चेक करना है। कई बार डेमो पाइप आप के पास होते हैं तो इसको पाइप को चेंज कर लेना। हैवी पाइप यूज़ कर लेना। और ज़्यादा हो सके तो इसके आगे आप कुछ जाली लगा लेना। तो आपके वाटर में डस्ट है यहाँ जाली लगा लेना।
थैंक यू।